Next, Junior, please. I really like your confidence. मुझे लगता है बहुत कमाल होने वाला है. बेटा रुको, लग जाएगी आपको. धीरे 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 आओ मेरे बेटा. आ गया. नाश्ता करो. एहसास, मैं बता रही हूँ, अब बहुत बदमाश हो चुके हो, बहुत नॉटी हो गए हो. नहीं आराध्या, कहाँ नॉटी हो गया है मेरा बेटा? ये तो इतनी मस्ती करता है जितनी इस उम्र के बच्चे करते हैं. माँ, आप इसे बिगाड़ दोगे. मामा, शेखर अंकल आज नहीं आएंगे. एहसास, आओ बेटा, बैठ जाओ, पहले नाश्ता करते हैं. बेटा मैंने आपको बोला था ना कि शेखर अंकल बहुत बिजी रहते हैं और अब वो आपसे मिलने नहीं आ पाएंगे. याद है ना आपको? चलिए अब नाश्ता कीजिए. पापा, आज आप एहसास को स्कूल छोड़ दोगे? ऑफिस में मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है. हाँ बेटा, बिल्कुल छोड़ दूंगा मैं. थैंक यू पापा. एहसास, कोई बदमाशी मत करना, नाश्ता पूरा फिनिश करना और स्कूल जाना. ओके. मैं जाऊं? संभल के जाना बेटा. बाय बाय बेटा, बाय. एहसास चलो, ये भी पूरा करो. मैं अभी आपके लिए दूध लेकर आती हूँ. कल भाभी का बर्थडे है. कल मम्मा का बर्थडे है. हाँ जी, आपकी मम्मा का बर्थडे है. दादी, भाभी कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती, तो क्यों ना इस बार हम उन्हें एक सरप्राइज पार्टी दे. हाँ हाँ बेटा, आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है. सरप्राइज. हाँ, इस बार आराध्या के बर्थडे पर कुछ नया प्लान करेंगे. और मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है. डॉक्टर साहब, मैं अंदर आ सकती हूँ? दादी आप आइए ना, आइए. कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बस मैं भी ठीक हूँ. बैठो. सॉरी बेटा, मैं तुम्हें बिना इन्फॉर्म किए आ गई. अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप कभी भी आ सकती हैं. बात ऐसी है बेटा कि कल आराध्या का बर्थडे है. जब से माधव गया है उसने कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया. पर इस बार मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर उसके लिए सरप्राइज बर्थडे प्लान करें. उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है. करोगे ना? लेकिन भारती जी शायद मुझे... अरे वो तो नूडल्स खाने के बाद एहसास की तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए भारती थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई. तुम उसकी चिंता मत करो, उससे मैं बात कर लूं. तुम बताओ, मदद करोगे ना? ठीक है, मैं आ जाऊंगा. थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच. सर ये रही इस हफ्ते की सभी रेडियो स्टेशन की रेटिंग रिपोर्ट. सर हर बार की तरह इस बार भी झनकार की रेटिंग नंबर 1 पर है. क्या करूं मैं इसका? इसकी फोटो फ्रेम बनाऊं मैं और दीवारों पर टांग दूं. तूने शतरंज का खेल कभी खेला है? शतरंज के खेल में रानी को हटाने के लिए सबसे पहले उसके प्यादों को हटाना पड़ता है. आराध्या, बड़ा घमंड है ना तुझे अपनी टीम पर? अगर तेरी कोई टीम ही ना रहे तो फिर देखता कि तू नंबर 1 पर कैसे आती है. माँ, अब टेंशन मत लो, मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अगले हफ्ते तक तो मेरा प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाएगा. ठीक है, पर फिर भी एक बार मुझे दिखा देना. ठीक है. तुम? जी नमस्ते। अरे दरवाजे पर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना बेटा। पल्लवी, हम बर्थडे के लिए सारा सामान ले आए, ये देखो। इतनी जल्दी? शेखर साथ था ना, इसलिए सब जल्दी हो गया। सोच क्या रहे हो? जाओ ना। एक मिनट माँ, ये सब क्या हो रहा है माँ? आराध्या का कल बर्थडे है, हम उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि कल आराध्या का बर्थडे है, मैं शेखर की बात कर रही हूँ। वो हमारे घर में क्या कर रहा है? उसे मैंने बुलाया हमारी मदद करने के लिए। मदद? माँ क्या घर के लोग नहीं है? और वैसे भी फैमिली फंक्शन में घर के लोगों की मदद ली जाती, ऐसे बाहर वालों की नहीं। कैसी बातें कर रही हो भारती? हमने तो शेखर को हमेशा अपने फैमिली मेंबर की तरह ही समझा है, वो पराया कैसे हो गया? तुम भी जाओ उनके साथ, थोड़ी मदद कर। माँ आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? इस तरह शेखर का हमारे घर में रोज रोज आना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? आराध्या ने जिस बच्चे को जन्म दिया वो जी ही नहीं पाया, और मैंने हमारे बेटे को माधव और आराध्या का बेटा बताकर आराध्या को सौंप दिया। वो इस तरह से रोज हमारे घर में आएगा तो एहसास बिगड़ जाएगा माँ। वो तरह तरह की जिद करने लगा है, आपको पता है? वो सब मुझे नहीं मालूम, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि शेखर के आने से एहसास को खुशी मिलती है। और तुम अच्छी तरह से जानती हो इस घर पर शेखर के कितने एहसान हैं। उसके बाद भी तुम्हारा उसी का ही इस घर में आना अच्छा नहीं लगता। ठीक है माँ, आपको जो ठीक लगता है आप कीजिए, पर मेहरबानी करके मुझे कुछ भी करने के लिए मत कहिए। ठीक है, मैं खुद ही जाती हूँ उनकी मदद करने के लिए। मैं आपको कैसे समझाऊं माँ कि आप उसे घर में बुलाकर कितनी बड़ी गलती कर रही हैं। और ये शिखर भी जब देखो तब घर में घुसने के बहाने ढूंढता है। पता नहीं इस बार क्या खेल खेलेगा। मैम वो क्या हुआ मिस्टर गुप्ता? आप इतने परेशान क्यों हैं? मैम हमारी कोर टीम के 2 एम्प्लॉइज ने अचानक से रिजाइन कर दिया। क्या? रिजाइन? किसने? मैम विशाल और मिस मेघा ने। विशाल और मेघा? पर बिना नोटिस के वो रिजाइन कैसे कर सकते हैं? मैम मैंने पता किया है, इस सब के पीछे मिस्टर संधू का हाथ है मैम। उनके कहने पर ही वो दोनों यहाँ से गए हैं। मिस्टर संधू? ठीक है, मैं उनसे बाद में बात करूँ। आप अभी मेरा एक काम कीजिए, हमारे जितने भी मेजर डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स को कहिए अभी इसी वक्त मुझसे मेरे ऑफिस में मिलें। अर्जेंट। ठीक है? ठीक है मैम। थैंक यू फॉर कमिंग, पर आज मेरे पास आप सबके लिए एक बैड न्यूज़ है। हमारे कोर टीम के मिस्टर विशाल और मिस मेघा ने बिना किसी नोटिस के झनकार को रिजाइन कर दिया। पर झनकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि झनकार नंबर 1 पोजीशन में इसलिए है क्योंकि हम सब टीम वर्क करते हैं। अब हमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। नंबर 1 पे हैं और हमेशा रहेंगे। पर मैं आप सब पे ये डिसीजन थोपना नहीं चाहती, मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप सब मेरे साथ हैं? डोंट वरी मैम, सारे लोग जी जान लगा देंगे। थैंक यू सो मच। क्योंकि हमारी कोर टीम के मेंबर्स नहीं है इसलिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने एक प्लान बनाया, मैं चाहती हूँ कि आप सब ये प्लान समझ लें और प्लीज़ अपने रिव्यू ज़रूर दें। ओके? पल्लवी, पता है ना बेटा सब कैसे करना है? हाँ दादी, आप टेंशन मत लो, मैंने सब पता कर लिया है। और शेखर, वो केक वाले से बात कर ली थी? जी हाँ, उससे बात हो गई थी। रात को 11 बजे के आसपास केक रेडी हो जाएगा, लेकिन इतनी देर रात को वो केक डिलीवर नहीं करता। वो मुझे फोन कर देगा, मैं जाके केक पिकअप कर लूंगा। ठीक है। फ्रेंड! हाय, कैसे हो? ओए ओए ओए, आराम से। आप आ गए फ्रेंड? मैंने सबको बुला था, क्या आओगे? तुम बुलाओ और मैं ना आऊँ, ऐसे हो सकता है? दादी, मुझे भी डेकोरेशन करनी है। आपने अपना होमवर्क कर लिया? थोड़ा बाकी है दादी। थोड़ा बाकी है, वो कब करोगे? पहले होमवर्क कंप्लीट करो, फिर डेकोरेशन करना। पर मैं अकेले कैसे करूं? अब तब तो मामा भी ऑफिस से नहीं आई। अच्छा जी, मैं अकेला होमवर्क कैसे करूंगा? पल्लवी, जा बेटा, तू इसका बाकी का होमवर्क करवा दे। चलो एहसास, पार्टी की तैयारी हम बाद में करेंगे, पहले होमवर्क कर लेते हैं। फ्रेंड, बस तुम यही बैठे रहना, मैं अभी यूं गया और यूं आया। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। चलो एहसास। अपनों का साथ दिल को कितना खुश कर देता है ना। जी, मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब है कि अपना परिवार अगर साथ हो तो कितना अच्छा लगता है। जी बेटा, तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारा अपना परिवार होना चाहिए? मेरा परिवार तो था ना दादी, जो आराध्या के साथ खत्म हो गया। तो तुमने कभी अपना परिवार दोबारा बनाने की नहीं सोची? जी नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ठीक हो? खुश तो नहीं? इंसान की खुशियाँ उसके अपने परिवार के साथ ही होती है। अपने परिवार के साथ इंसान सुख दुख बांटता है। हंसते खेलते जिंदगी कब गुजर जाती है पता ही नहीं चलता। और जब इंसान अकेला होता है तो एक एक पल काटना कितना भारी हो जाता है। इतनी लंबी जिंदगी कैसे काटोगे बेटा? कोई तो चाहिए जो आपका हाथ थाम कर चल सके। अब ये कैंची कहाँ है? पल्लवी को बोला था कि कैंची भी लेकर आए, लेकर नहीं आई क्या? बेटा, कैंची शायद एहसास के रूम में होगी, तुम जाकर ले आओगे? जी। हाँ, मैं पेरीवाल हाउस में ही हूँ। हाँ, मैं यहीं रहूँगा, और जैसे कि हमारी बात हुई थी 12 बजे से पहले हो जाना चाहिए। आप अपना काम खत्म कीजिए, तब तक मैं यहाँ अपना काम खत्म करता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दादी ने कैंची मंगवाई थी, वही लेने आया था। जब भी शेखर को देखती हूँ तो वही बुरा सपना आंखों के सामने आ जाता है कि ये मेरे एहसास को मुझसे छीन कर दूर ले जा रहा है। ये शेखर ने अभी अभी फोन पे किससे बात की? इसका तो कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे घर परिवार के बारे में जानता हो। फिर इसने किससे कहा कि ये अभी पेरीवाल हाउस में है और काम 12 बजे खत्म हो जाएगा? आज तो टाइम का पता ही नहीं चला, 11:30 कब बज गए? गॉड, पूरा दिन बीत गया, मैंने एहसास से अच्छी तरह बात ही नहीं की। हेलो दादी। आराध्या बेटा, 11:30 बज गए, तू अभी तक घर नहीं आई? दादी वो आज ऑफिस में कुछ ज्यादा काम था, अभी आ रही हूँ। जल्दी आओ, रात बहुत हो गई है। हाँ दादी, मैं भी निकल रही हूँ। अंधेरा क्यों है? 12 बज गए, लगता है सब सो गए। तुम तो अपना बर्थडे मनाती नहीं हो, हमने सोचा हम ही सब मिलकर सरप्राइज दे दें। थैंक यू सो मच भाभी। थैंक यू बाद में बोलना, पहले केक काट लेते हैं। यहाँ मिस्टर शिखर कौन है? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? यहाँ से किसी का फोन आया था, कोई मिस्टर शेखर हैं, एहसास नाम के बच्चे को किडनैप करना चाहते थे। पल्लवी, एहसास को ऊपर ले जाओ। पर मम्मा मैं। एहसास हर बात पे जिद नहीं करते, हम बाद में आ जाएंगे, ठीक है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, लगता है आपको गलत फहमी हुई। आपको इस घर से किसी ने फोन नहीं किया। कोई गलत फहमी नहीं हुई, ये फोन मैंने किया था। ये क्या कह रही हैं आप माँ? शेखर भला, शेखर क्यों एहसास को किडनैप करेगा? क्योंकि शेखर को एहसास में अपना बच्चा नजर आता है और वो हमारे एहसास को अपने साथ रखना चाहता है। भूल गई आराध्या, तुम्ही ने तो कहा था ना कि ये वो शेखर नहीं है जिसे हम मिले थे, बदल चुका है ये। अपना बच्चा तो रहा नहीं, हमारा बच्चा छीनने चला है। ये तुम क्या बोल रही हो भारती? अगर ऐसा होता तो उस दिन शेखर एहसास को हमारे घर पे वापस क्यों लाता? क्योंकि वो एहसास का दिल जीतना चाहता था, ताकि एहसास खुद अपनी मर्जी से इसके साथ रहने लगे। बार बार हमारे घर में आता जाता रहता था ताकि एहसास को इसकी आदत लग जाए। एहसास के सारे शौक पूरे करता था ताकि मौका पाते ही हमारे एहसास को किडनैप कर सके, छीन सके हमसे। तू शिखर ठीक कह रही हूं ना मैं? छीनना चाहते हो ना हमारे एहसास को हमसे? जवाब दी मिस्टर शेखर, क्या ये सच बोल रही हैं? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है, ये सच नहीं है। ये सच है इंस्पेक्टर साहब, आज मैंने इसे किसी से फोन पर बात करते हुए सुना था कि 12 बजे तक ये अपना काम खत्म कर देगा। मतलब मेरे पोते को किडनैप करने का फोन पर किसी से प्लानिंग बना रहा था, छीनना चाहता था ये मेरे पोते को। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। ऐसा ही चाहते थे तुम, झूठ मत बोलो। बोलो कि तुम उसका किडनैप करना चाहते थे या नहीं? जवाब तो चुप क्यों? नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था, भला मैं अपने बेटे को किडनैप क्यों करवाऊंगा? नेक्स्ट जूनियर प्लीज। मुझे लगता है बहुत कमाल होने वाला है।